नामा म्हणे आले वैष्णव, अलंकापुरी मिळाले देव, समाधी सुके ज्ञानदेव, बैसते झाले। तीर्थक्षेत्र आळंदी येथे माऊलींचा 724 वा संजीवन समाधी सोहळा पार पडलाय। यावेळी मोठ्या प्रमाणात वारकरी आळंदी नगरीमध्ये दाखल झालेत। संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या संजीवन समाधीने पावन झालेल्या पुण्य अलंकापुरी नगरीत माऊली मंदिरात आज समाधी दिनाच्या निमित्तानं पहाटे संस्थान कमिटीचे विश्वस्त ॲडव्होकेट विकास ढगे यांच्या हस्ते पवमान अभिषेक करण्यात आला। समाधी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गाभारा, पंखा मंडप, कारंजा मंडप, वीणा मंडप, मंदिर तसेच महाद्वार आकर्षक फुलांनी सजावट करण्यात आली। सकाळी 8 ते 10 वाजता महाद्वार हैबत बाबा यांच्या पायरीसमोर मानाचे कीर्तन झाले। तसेच 10:15 सुमार संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या संजीवन समाधी सोहळ्याचे मानाचे कीर्तन, संत नामदेव महाराज यांचे 18वे वंशज हबप भावार्थ महाराज नामदास यांच्या हस्ते झाले। संजीवनी समाधी सोहळा जो ये 724वा सोहळा आहे, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ज्ञानेश्वर महाराज के साथ में जो संत थे और भगवान खुद यहां आके उनके समक्ष संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने यह समाधि लिए, संजीवन समाधि है और आज भी भाविकों के मन में ये श्रद्धा है कि ज्ञानेश्वर महाराज जैसे थे वैसे ही आज भी है और वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, ये लेने के लिए देश विदेश से और महाराष्ट्र के कान कोपे से बहुत से वारकरी संप्रदाय के लोग आते हैं। उनकी श्रद्धा अतुट है और उनको जो कुछ प्रशासन या मंदिर प्रशासन से जो कुछ हमारा बनता है उस हिसाब से सुख सुविधा देने की कोशिश संस्थान कमिटी की हमेशा रही है। संत नामदेव महाराज यांच्या पादुका समाधी स्थळावर दाखल झाले। समाधीवर फुले उधळली, नंतर आरती होऊन समाधी सोहळा उत्साह संपन्न झाला। मोहन दुबे, दिनमान न्यूज, पिंपरी चिंचवड।